नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। जीरापुर, कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत खींची द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज रविवार दोपहर जीरापुर नगर में राजगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी मोना धाकड़ सुस्तानी के पक्ष में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आतिशबाजी व पंडित द्वारा मंत्रोच्चार के साथ फीता काट कर किया गया। प्रत्याशी मोना सुस्तानी के चुनाव प्रचार को लेकर कार्यालय ने सभी कार्यकर्ताओं की सुविधा सहमति से मुंदड़ा पेट्रोल पंप के ठीक सामने खोला गया। इस मौके पर मंत्री प्रियव्रत सिंह ने जीरापुर सहित क्षेत्र के दूरदराज गांव से पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए वर्तमान कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के 70 दिन की कार्यशैली, उपलब्धियों व विकास कार्यों को बताते हुए 5 साल की मोदी सरकार व मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए भाजपा की नाकामियों को गिनाया। मामी मदद करो, मामी के यहाँ पेमेंट पहुँचाते थे तो ये मामा मामी का खेल भोपाल में खत्म हो गया और यहाँ पर कमीशन का खेल खत्म हो गया। ये कमीशन बाज लोग इनमें मची खलबली कि अब क्या होगा। 15 साल तो खूब माल बनाया, अब आगे हमारा क्या होगा। काली कमाई की आदत पड़ी हुई है साथियों। कोई बिजली कटौती नहीं हो रही प्रदेश में। हमने 20,000 डीपीआई बदली, 20,000 डीपीआई नहीं थी तो बिजली मिलने का तो सवाल उठता ही नहीं। गांवों में डीपीआई पहुंच रही हैं। इस अवसर पर मौजूद पूर्व विधायक राम प्रसाद दांगी, जनपद अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित, श्याम बाबू तेजरा, हीरा लाल कुशवाहा, जलील अहमद, जफर कुरैशी सहित सभी ने अपने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से अवगत कराते हुए पार्टी की प्रत्याशी मोना सुस्तानी को जिताने की बात कही। इस मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता जन मौजूद थे। जनता पार्टी आतंकवाद के नियंत्रण पर फेल हुई है, रोजगार देने में फेल हुई है, किसानों को सम्मानजनक लाभ दिलाने में और खेती को लाभ का धंधा बनाने में फेल हुई है। सर, साथ साथ ही काला धन जब्त करने में फेल हुई है। सर, हम सरकार को इस मुद्दे पे घेरेंगे। सर, एक और प्रधानमंत्री जी सेना के लोगों से वोट मांग रहे हैं, वही सेना के जवान उनके खिलाफ आज चुनाव मैदान में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र सेना के नाम का उपयोग कर रहा है। सेना प्रधानमंत्री से खुश नहीं है। सेना ने अपने जवान खोए हैं, सेना ने सैनिकों को कई कठिनाइयों का बॉर्डर पर सामना करना पड़ रहा है। उनकी व्यवस्थाएं करने की जगह उनके नाम पर रोटियां सेकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, अभी लोकसभा चुनाव है और विद्युत, आप खुद ऊर्जा मंत्री है और लगातार विद्युत कटौती हो रही है, इस पे आप देखिए। विद्युत कटौती नहीं हो रही है, अघोषित विद्युत कटौती के नाम पर कोई कटौती नहीं हो रही। खबर समय जगत के लिए राजगढ़ से कैमरामैन लखन गुर्जर के साथ संवाददाता मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज़।